कैसे हो माजामा, स्वागत है टॉप 10 मूवीज फॉर की तुम्हारी एक नए एपिसोड में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन 10 बेहतरीन मूवीज के बारे में जो बच्चों के लिए खास ध्यान में रख के बनाई गई है, उन मूवीज के बारे में जो अपनी फैमिली का साथ मिलकर फुली इंजॉय कर सकते हैं। तो बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। Like the rest of my family. There's something that makes me different. Great, great grandfather, I want to be a musician. Number 10, Hope. तो ये कहानी है एक ईस्टर बनी की, एक रैबिट जिसे म्यूजिक पसंद है, जिसे ड्रम बजाना पसंद है और वो एक ड्रामर बनना चाहता है। और एक दिन वो ईस्टर बनी लेन छोड़ देता है और जाता है हॉलीवुड के ओर, और वहाँ उसे फ्रेड नाम का एक जवान लड़का मिलता है और फ्रेड उसे अपने सपना पूरा करने में मदद करता है। और आगे क्या होता है वो आप मूवी के अंदर देखिए। नंबर 9, किकिंग एंड स्क्रीमिंग। तो ये कहानी है बाप और बेटे की। फिर अपना बेटा सैम को एक फुटबॉल टीम में डालता है जिसका नाम होता है टाइगर, और इस टीम का तो पूरा बैनी बजा हुआ होता है और कोई कोच तक नहीं होता है। और फिर को अपने बेटा के लिए उस टीम के लिए कोच बनना पड़ता है जबकि उसे कुछ पता ही नहीं हो इस खेल का बारे में। आप आगे क्या होता है वो आप मूवी के अंदर इंजॉय कीजिए। नंबर 8, नाइट बॉक्स। तो एलेक्स नाम का एक लड़का जिसे स्केरी स्टोरी लिखना पसंद है, और नताशा नाम का एक विच उसे किडनैप कर लेता है और उसे अपनी घर पे कैदी बना देता है। और एलेक्स को वहाँ मिलता है यस्मीन नाम का एक लड़की जो पहले से विच ने उसे भी किडनैप किया हुआ था। और अब एलेक्स और यस्मीन किस तरह से उस घर से बाहर निकलेगा, यही है इस मूवी का कहानी। तो ये रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ एक बच्चों के लिए बेस्ट मूवी है जिसे आप मिस ना करो। नंबर 7, वीप लाला। तो वीप लाला एक अलग प्रजाति के इंसान होता है, साइज में बहुत ज़्यादा छोटा होता है और उसे यूं ही देख पाना बहुत मुश्किल है। और वीप लाला अपनी दुनिया में कुछ ऐसा कर देता है जिसके कारण उसे वहाँ से भागना पड़ता है, और वो एक प्यारा फैमिली से मिलता है और वीप लाला अपनी जादू से उन्हें भी छुट्टा बना देता है। ये मूवी आपको यूट्यूब के अंदर देखने को मिल जाएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नंबर 6, ओज द ग्रेट एंड पावरफुल। तो ये कहानी है एक जादूगर की। दरअसल वो एक नकली जादूगर है, यूं ही जादू देखा कि लोगों से पैसा लूटती है। और एक दिन वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं ओट्स। आप ओट्स की लुक उसे एक असली जादूगर मान लेता है और आगे जाके उसे चूड़े से लाड़ना है। आप ओट्स के लोगों को वो विच से किस तरह बचेगा, आगे का स्टोरी आप मूवी के अंदर देखिए। नंबर 5, सोनिक द हेजहॉग। तो सोनिक क्या है ये बात तो मुझे आपको समझाने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सोनिक बहुत फास्ट होता है और सोनिक अपना दुनिया में रहना उसके लिए बहुत ख़तरा होता है, और वो अलग अलग प्लैनेट्स पे रहने लग जाता है। और एक दिन वो पृथ्वी पे आ जाता है और उसे वहाँ मिलता है डॉक्टर रोबोटनिक, और डॉक्टर रोबोटनिक उसका शिकार करता है। और आगे क्या होता है वो आप मूवी के अंदर देखिए। नंबर 4, बीन। इस कैरेक्टर को कौन पसंद नहीं करता है, इस कैरेक्टर को कौन नहीं जानता है, इस कैरेक्टर से तो बच्चा बच्चा वाकिफ होंगे। तो मिस्टर बीम अमेरिका में आता है और वहाँ में वो एक फैमिली के अंदर गैस बनता है, और जबकि हमें पता है कि मिस्टर बीम चुपचाप रहने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। आप वो उस फैमिली के अंदर किस तरह तबाही मचाता है वो आप मूवी के अंदर देखिए। नंबर 3, मॉन्स्टर हाउस। तो ये एक एनिमेशन मूवी है। शहर का अंदर एक मॉन्स्टर हाउस होता है जो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होता है। वहाँ कोई जाता है तो कभी वापस नहीं आता है। वो घर खास करके बच्चों का शिकार करता है, और 3 बच्चे दोस्त मिलकर उस घर का राज के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। और आप आगे क्या होता है वो आप मूवी के अंदर देखिए। नंबर 2, ब्रिज टू तेरे बेटिया। तो ये कहानी है जेस की। जेस बहुत शान लड़का होता है, उसका कोई दोस्त भी नहीं होता है। एक दिन जेस एक लेस्ली नाम के एक लड़की से मिलता है और उन दोनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती बन जाता है।
और जेस और लेस्ली एक जादुई जगह के बारे में पता लगा लेता है। ये मूवी आपको YouTube के अंदर देखने को मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर वन, पेडिंगटन। तो पेडिंगटन एक भालू होता है, एक अलग नस्ल की भालू जो बोलता भी है। तो पेडिंगटन अपनी अंकल आंटी के साथ बैठता है और एक दिन भूकंप का वजह से उसका घर तबाह हो जाता है और उसमें उसका अंकल भी मर जाता है और उसका आंटी उसे लंदन भेज देता है और लंदन में वो एक प्यारा फैमिली से मिलता है और वो फैमिली पेडिंगटन को अपनी घर ढूंढने में मदद करता है और आगे क्या होता है वो आप मूवी के अंदर देखिए। तो ये था वो दास मूवी। होप्स अप कि आप इस वीडियो से इंजॉय होंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, जो भी हो कर देना। और फिर मिलेंगे एक नई टाइम और नए एपिसोड पर। तब तक के लिए आप कहो जुबा की श्री।